तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का। लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए? किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध। लोकतंत्र है, लोकतंत्र साफ सुथरे रहे। यदि किसी ने गलत किया उसके नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर गहमा गहमी है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने अपनी दोनों बेटी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव पैसे लेकर टिकट बांटते ही थे, लेकिन अब वो अपनी बेटी से भी पैसा ले रहे हैं। यानी साफ तौर पर सम्राट चौधरी का आरोप था कि किडनी को लेकर, किडनी डोनेट किया तो इसको लेकर वो अपने बेटी को टिकट दे रहे हैं, बेटी से भी वो मतलब बेटी को भी वो टिकट दे रहे हैं पैसे के बदले में। यानी साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव को कहीं से भी पैसा आना चाहिए। पहले आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी को क्या कुछ कह रहे हैं। चल रहा है की गारंटी है, जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चलता रहेगा। लालू जी ने अपनी बेटी को टिकट आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे, अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए। तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का। अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपका ही बेटा, आपकी ही बेटी, इसमें कहा दो मत, आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़। लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए? टिकट किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध। अंतिम सवाल है सर, जिस तरह से यूयू ने ईडी को कह दिया है जांच करने के लिए, जो विधायक हेडफोन का मामला हुआ था। लोकतंत्र है, लोकतंत्र साफ सुथरे रहे। आपने साफ तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सुना, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव शुरू से ही टिकट बांटते रहते हैं, वो कहीं से भी पैसा आए लेकिन पैसा आए वो टिकट बेचने का काम शुरू से ही करते रहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि वो अपनी बेटी को भी टिकट बेच दिया। यानी साफ तौर पर आरोप था कि रोहिणी आचार्य को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है, मीसा भारती भी चुनावी मैदान में उतरेगी। तो ऐसे में साफ तौर पर सम्राट चौधरी का आरोप था कि लालू प्रसाद यादव पहले तो टिकट बेचते ही थे, लेकिन अब वो टिकट बेचते अब अपनी बेटी को भी टिकट बेचने लगे। यानी साफ तौर पर इनका आरोप था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव शुरू से ही टिकट बांटते रहे हैं और वो अपनी बेटी को टिकट बांटे। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो बेटी उनको किडनी डोनेट किया था, किडनी ट्रांसप्लांट किया था, उस बेटी को भी यानी टिकट बांट रहे हैं, यानी बेच रहे हैं। यानी किडनी के बदली जो किडनी जो दिया था लालू प्रसाद यादव को बेटी, अब उस बेटी को उसके बदले टिकट दिया जा रहा है। यानी साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के ऊपर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव को कहीं से भी पैसा आना चाहिए। लालू प्रसाद यादव को पैसे से मतलब है। लालू प्रसाद यादव यानी साफ तौर पर उन्होंने अपने दोनों बेटी को, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो रोहिणी आचार्य कैस लगाए जा रहे थे कि रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी का बड़ा आरोप कि लालू प्रसाद यादव को कहीं से भी पैसा आना चाहिए, आते रहना चाहिए, वो शुरू से ही टिकट बेचते रहे हैं। तो ऐसे में वो अपनी बेटी को टिकट दिए, बेटी को टिकट बेच रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। किडनी के बदले यानी टिकट, यानी साफ तौर पर आरोप था। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह यानी साफ तौर पर जो शिकंजा कसा जा रहा है ईडी की तरफ से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार जो लोकतंत्र का जो माहौल है, भ्रष्टाचारी से दूर रखना और देश में लोकतंत्र का माहौल बने रहना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें और देखते रहिए एक न्यूज 24। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।